અમારા બીજા વિડિયો જોવા ફટાફટ નીચે સબસ્ક્રાઇબ પર ક્લિક કરવાની સાથે ઘંટનું નિશાન આવશે તો તેના પર ક્લિક કરશો તો અમારા નવા વિડિયોની આપને જાણ થશે અને હા વિડિયો ગમે તો શેર અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। हेलो गाइस, मैं आज आपको सिंदूर का पेड़ और सिंदूर का जो होता है क्या होता है बीज, सिंदूर का जो बीज होता है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और सिंदूर का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जहाँ हमारे एक गांव में है जो सिंदूर का ओरिजिनल और असली पेड़ है, जहाँ सिंदूर का सिंदूर आया हुआ है, पक गया है, तो आज हम उसे देखने के लिए आए हैं। तो स्पेशली हम वो सिंदूर को देखने के लिए आए हैं। सिंदूर का जो पेड़ है एक ही होता है जो पूरे सूरत में नहीं होगा, आज सूरत में एक सिंदूर का पेड़ मिला है तो आज हम उसको देखने के लिए आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिंदूर का जो पेड़ है वो कैसा होता है और सिंदूर जो ओरिजिनल होता है वो कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं वो सिंदूर का जो पेड़ है और उसका जो बीज है। हाँ तो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं सिंदूर का पेड़ देखने के लिए, जहाँ सिंदूर आया हुआ है, पका हुआ है। तो देखते हैं वह कैसा दिखता है और असली सिंदूर कैसा होता है, हम आज पूरा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे वो सिंदूर का पेड़ और सिंदूर का जो बीज होता है जो महिलाएँ अपने मांग में भरती है वो सिंदूर। आप लोगों ने सिर्फ उसका जो पाउडर होता है वो पाउडर ही देखा होगा, आज हम आपको सिंदूर का जो पेड़ और पेड़ से होने वाले जो बीज पकने वाले वो आज हम आपको पूरा उसका एक्सप्लोर कराएंगे और दिखाएंगे कि वो पेड़ और बीज कैसा है। तो गाइस, आप भी ये सिंदूर का पेड़ देखने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हैं, वेलकम है। जो ये जो सिंदूर का जो पेड़ है जो गल्डेश्वर और तिम्बा के बीच में एक रास्ता है, जो गल्डेश्वर से होके बीच में रास्ता आता है जो दिगस जाता है, वहाँ पे जो नारदी गंगा के जो नारद जी ने वहाँ जहाँ पे तप किया था और वहाँ पे नारद जी का मंदिर है, जो वहाँ पे नारदी गंगा का उगम स्थान भी है और ऐतिहासिक स्थल भी है। तो वो गल्डेश्वर और दिगस के बीच में से रास्ता जाता है, वहाँ पे सिंदूर का जो ओरिजिनल पेड़ है वो हम वहाँ पे आ चुके हैं तो आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। हाँ तो गाइस, यहाँ पे है सिंदूर का असली पेड़ और असली सिंदूर आप देख रहे हैं। तो ये है सिंदूर का असली पेड़। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये ऊपर आया हुआ है सिंदूर। ये सिंदूर का फल है जो औरतें अपने मांग में भरती है, बड़ा पवित्र सिंदूर होता है। और ये सिंदूर हर जगह पे काम आता है, पूजा विधि में भी। तो ये आज हम आपको ओरिजिनल सिंदूर का पेड़ और ओरिजिनल सिंदूर बताएंगे जो कैसा होता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये है सिंदूर का ओरिजिनल पेड़ और ये फल है कि आप देख रहे हैं। थोड़ा आगे लाइए कैमरामैन और दिखाइए, पूरा जूम कीजिए। ओके, चलेगा। ये है सिंदूर, असली सिंदूर। तो चलो इसमें से एक तोड़ के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये सिंदूर है कि क्या कुछ और है। वैसे ये सिंदूर ही है, ओरिजिनल सिंदूर है, ये बड़ा पवित्र होता है। तो एक ही तोड़ेंगे, ये तोड़ा है। ये सूरत के एक छोटे से गांव में है जहां मंदिर है गल्डेश्वर के नज़दीक, वहां पे है। देखो, ये मैंने अभी नाखून ही लगाया तो ये नारंगी रंग का लग गया है। तो ये ऐसे खुलता है ये अपना, देखो पूरे उसमें दाने भी है। ये होता है
असली सिंदूर। तो ये इसमें से एक निकाल के देखते हैं। ये देखो ये सिंदूर है पूरा, मेरा हाथ भी एक ही दाने से कितना हो गया। ये सिंदूर है, ये देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल सिंदूर है जिसे हम टीका भी लगा सकते हैं, ये बड़ा पवित्र होता है। तो आज हमने आपको दिखाया कि ओरिजिनल सिंदूर कैसा होता है। तो ये है ओरिजिनल सिंदूर, देखो हाथ में भी कैसा हो गया। ये सिंदूर का पेड़ है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, इस पर ऊपर थोड़े कांटे जैसे रहते हैं, लेकिन चुभने वाला कांटा नहीं है, इस बड़ा सॉफ्ट कांटा है। और ये दिखा, और ये पेड़ है, ये आप देख रहे हैं, ये पेड़ कुछ ऐसा है ना, उसके ऊपर ना कोई कांटा है ना कुछ है, पेड़ की पत्तियाँ कुछ ऐसे लंबी लव आकार की होती है, ये बड़ी सॉफ्ट है। और टहनियाँ भी नॉर्मल ही है, जैसे नॉर्मल पेड़ होता है वैसे। तो ये ओरिजिनल इसका फल आया है, ये आपने देखा पूरा, ये पूरा गुस्सा है, इसमें एक में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 तक आता है, ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देखिए, ऊपर भी पूरा पेड़ सिंदूर के फल से भरा पड़ा है। ये सिंदूर की पकने की ऋतु है, अभी इसमें सिंदूर पकता है इसी ऋतु में, ये दिसंबर से जनवरी और फरवरी तक पक जाता है ये, और ये ओरिजिनल सिंदूर होता है। तो आप ये देखने के लिए आ सकते हैं इधर, ये गल्टेश्वर और दिगस के बीच में रास्ता जाता है, वहाँ पर ये पेड़ है जहाँ आप। तो गाइस ये है ओरिजिनल सिंदूर का पेड़, आपने आपको हमने दिखाया। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। जय माता जी।